ओबीसी के खिलाफ षड्यंत्रों का पिटारा है या रामायण के उत्तरकांड की कथा। कथा इस प्रकार से है, एक दिन एक ब्राह्मण का बेटा मर जाता है। वो ब्राह्मण राम के पास आता है और कहता है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण तुम्हारे राज में हो रहा धर्म विरोधी कृत्य है। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राम अपने मंत्रियों को बुलाकर पूछता है, तो मंत्री कहते हैं कि आपके राज्य में कोई शूद्र तपस्या कर रहा है, इसी कारण से ब्राह्मण का बेटा मर गया। राम उस शूद्र की तलाश में निकल पड़ते हैं। एक सरोवर के पास तपस्या करते हुए शंभुक राम को दिख जाते हैं। राम शंभुक को पूछते हैं कि तप किस लिए कर रहे हो। शंभुक कहते हैं देवलोक को पाने की इच्छा से तप कर रहा हूँ। राम फिर पूछते हैं कि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। शंभुक कहते हैं मुझे शूद्र जानिए। इतना कहते ही राम शूद्र शंभुक का सिर काट डालते हैं। इधर शूद्र शंभुक को मार डालते ही उधर ब्राह्मण का बेटा फिर से जीवित हो जाता है। इस कथा से ब्राह्मणों के तीन षड्यंत्रों का खुलासा होता है। पहला षड्यंत्र बेटा मरा ब्राह्मण का और ब्राह्मण ने शूद्र शंभुक को क्षत्रिय राम के हाथों से मरवाया। इस उदाहरण से ब्राह्मण ने अपने वंशजों को यह मैसेज दिया कि हमेशा खुद को बचाए रखने के लिए और अपनी श्रेष्ठता को कायम रखने के लिए दो वर्णों और जातियों को हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ाते रहना है, ताकि वह कभी भी एकजुट ना हो पाए। अगर अन्य वर्ण और जातियाँ एकजुट हो जाती है तो ब्राह्मण और उनके श्रेष्ठत्व को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों के वंशज आज भी जाति और धर्मों के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाते रहते हैं। इसी कारण से ब्राह्मणों की श्रेष्ठता आज भी कायम है। और दूसरा षड्यंत्र है, शूद्र शंभुक तप कर रहा था देवलोक को पाने की इच्छा से, मगर देवलोक तो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही रिजर्व होता है। इस उदाहरण से ब्राह्मणों ने अपने वंशजों को यह मैसेज दिया कि शूद्र शंभुक तप कर रहा था, यानी अगर शूद्र अपने अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करते हैं और अगर वह अधिकार उन्हें मिल जाते हैं तो ब्राह्मणों ने जो शूद्रों के हकों पर जबरदस्ती डगा डाल रखा है वह उनसे छीन जाएगा। और क्योंकि शूद्र यानी ओबीसी की संख्या 50% से ज्यादा है, इसलिए शासन प्रशासन में हर जगह शूद्र ही 50% से ज्यादा पहुंच जाएंगे जहां पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है, और वह कब्जा ब्राह्मणों को छोड़ना पड़ जाएगा, यानी ही ब्राह्मणों से उनका देवलोक छीन जाएगा। इसलिए आज भी ब्राह्मणों के वंशजों ने ओबीसी को काबिलियत होते हुए भी उनके प्रशासनिक पदों से वंचित ही कर रखा है। प्रशासनिक पदों पर शूद्र नहीं के बराबर है। तीसरा और आखिरी षड्यंत्र, शूद्र शंभुक की हत्या करते ही ब्राह्मण का बेटा जिंदा हो जाता है, यानी ही ब्राह्मणों का वंश आगे बढ़ता है। इस उदाहरण से ब्राह्मणों ने अपने वंशजों को यह मैसेज दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए या चाहे कुछ भी करना पड़े, मगर शूद्रों को उनके अधिकार नहीं मिलने देना है। जातिगत आरक्षण से मुक्त किया जाए, इसलिए ओबीसी की जातिगत जनगणना ब्राह्मण होने नहीं देते। ओबीसी के आरक्षण का विरोध ब्राह्मण जान की बाजी लगाकर करते हैं। ब्राह्मणों के विरोध के बावजूद भी अगर कोई सच्चा लीडर ओबीसी के अधिकार हासिल करने के लिए संघर्ष करता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। जैसे 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है कहने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवा की ब्राह्मणवादियों द्वारा हत्या कर दी गई, यानी ही शूद्र शंभुक की हत्या कर दी गई। शूद्र अपने अधिकारों के लिए आग्रह धरते हैं और उसे हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें मार डालना चाहिए, तभी ब्राह्मणों की आने वाली नस्ल जीवित रह सकेगी, यानी ही ब्राह्मण का बेटा फिर से जीवित हो जाता है। इतनी छोटी सी कथा में इतना बड़ा मैसेज ब्राह्मणों ने अपने वंशजों को दे रखा है, जिस पर ब्राह्मणों के वंशज आज भी अमल कर रहे हैं। और शूद्र यानी ओबीसी अपनी अज्ञानता में रामायण जैसी कथा को सच मानकर अपने सर पर ढोए जा रहे हैं, जिसने सिर्फ उनका ही नहीं तो उनके आने वाली नस्लों का भी भविष्य बर्बाद कर रखा है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर शूद्र अपने हक अधिकार हासिल करने के लिए जाग जाता है और साथ ही सतर्क भी हो जाता है ताकि ब्राह्मणवादियों द्वारा फिर किसी शंभुक की हत्या ना हो जाए, जैसे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवा की हत्या कर दी गई थी, तो ओबीसी अपने हर उस अधिकार को हासिल कर सकते हैं जिन अधिकारों से उन्हें आज तक ब्राह्मणों ने वंचित ही कर रखा है।